अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? फिट फाट हैं? ठीक ठाक हैं? तो अच्छा, अभी जो है ना, मैं घर से निकला हूँ, तो अभी यहाँ पे मैं जा रहा हूँ हमारे घर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंट पे ही स्टोर वगैरह है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने कोई ग्रॉसरी की वगैरह करनी है और घर की चीज़ें वगैरह लेनी है। तो यहाँ पे घर जो शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सामान की तो ज़रूरत पड़ती है ना, तो जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बस यहाँ से मैं लेता हूँ। चलते हैं, आपको भी स्टोर दिखाऊंगा और अपनी वहाँ पे जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी मैं ले लूँगा यहाँ से। सही तो ये है, हमारे घर के पास बच्चों का डे केयर है, यहाँ पे जो है ना बच्चे खेल रहे होते थे, इस अभी टाइम कोई पे कुछ भी बच्चे नहीं यहाँ है, पे खेल रहे हैं। छुट्टियाँ वगैरह हैं और बंद पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से। बस कोरोना 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 की है वजह पूरी से दुनिया तो में बच्चे आजकल, बंद हो तो गए। बस सब लोग अभी घर में बैठे हुए हैं। तो ये रोड वगैरह पे भी कोई रश लेकिन वगैरह बस नहीं है, स्टॉप पे यहाँ नहीं, ये बस हॉस्पिटल पे स्टॉप यहाँ है, पे यहाँ यहाँ पे पे भी ये डे पोस्टर वगैरह लगा हुआ कोविड-19 का। का पहले यहाँ पे लोग लोग बैठे बैठे हुए होते थे, थे, इंतज़ार दवाई करते वगैरह थे, ले अभी रहे ये थे। बिल्कुल भी खाली पड़ा हुआ है। तो ये जो है ना, बस ये फुटपाथ वगैरह पे आप देखें, यहाँ पे जो लोग चल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, तो वो भी जो है ना सेफ डिस्टेंट रखते हैं आपस में, ताकि कोरोना जो है उसकी वजह से लोग आ रहे होते हैं तो वो रुक जाते हैं, या वो गुजर जाए, या वो 6 फीट का यहाँ पे वो फासला जो है ना रखते हैं। तो अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, इसी तरह से ही बंदा कोरोना से बच सकता है, तो और तो कोई इसका हल ही नहीं है। ये तो ये जो अपॉइंटमेंट है, वगैरह रोड पे पहले काफ़ी रश वगैरह होता था यहाँ पे, अभी देखें बिल्कुल कोई रश वगैरह भी यहाँ पे नहीं है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है और ये कार वॉश है यहाँ पे, ये उसका साइन बोर्ड था। तो ये जो साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक ये पूरी मार्केट का जो है ना साइन बोर्ड है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो सामने आपको पीला बोर्ड नज़र होगा, ये है नो फ्रील, ये इस तरह है जैस लाइक के जैसे पाकिस्तान में मेट्रो वगैरह हो गया है, या मदीना कैश एंड कैरी जो बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं, ये उस तरह के। ये टिम होटन जो है, ये टिम होटन यहाँ पे काफ़ी वगैरह मिलती है। तो ये जो है ना, ये अभी ये दूसरी साइड है, वहाँ पे भी ये जो है ना देखें, ये इनकम टैक्स का ऑफिस है, मीट का ऑफिस है, गोश्त वगैरह का, तो ये वहाँ पे ऑफिस है, तो शॉप वगैरह भी हैं, सब चीज़ें यहाँ पे, काफ़ी बड़ी मार्केट जो है। तो मैंने इस स्टोर पे जाना है, ये डॉलर का इस स्टोर है, सुपर स्टोर है, यहाँ पे मैंने कोई चीज़ें वगैरह लेनी है, तो यहाँ पे बस वो चीज़ें मैं लेता हूँ अब जाके। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या, ये शूज़ वगैरह मशरूम के हो गए, या वैसे घर में पहनने के, ये ट्रॉली है ग्रॉसरी वगैरह की, सामान वगैरह इस पे बंदा लेके जाता है। तो जो जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो पड़ी हुई हैं, बुरश वगैरह हैं जो आपको ज़रूरत की हैं, वो चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो अभी मैं स्टोर में इंटर होता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ है। ये शर्टें वगैरह हैं, ये देखें सामने डिस्प्ले, ये कार्ड हैं जो बर्थडे पे देना चाहें आप, एनिवर्सरी पे, ये उसके वगैरह जो है ना ये कार्ड लगे हुए हैं, ये गिफ्ट पैक हैं जिसमें गिफ्ट पैक करके देते हैं। तो इस तरह जो है ना ये चीज़ें हैं यहाँ पे, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये बर्थडे सेलिब्रेट जो करते हैं, ये उसके आइटम वगैरह यहाँ पे हैं, ये उसके आइटम लगे हुए हैं ये। तो इस स्टोर में अब जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो मैं ले लूँगा। तो अब अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है ना मैं वो यहाँ पे देखता हूँ, ये घर की जो है क्रॉकरी वगैरह हो गई, ये वो सेक्शन है उसका, जो ये देखें ये किचन की चीज़ें वगैरह भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये डब्बे हैं, इसमें लोग आटा और तो बहुत सारी चीज़ें रखती हैं। ये बच्चों का जो है ना ये टॉयज है सेक्शन है, यहाँ पे टॉयज वगैरह पड़ी हुई हैं। तो अब देखते हैं हमने क्या क्या यहाँ से लेना है, तो वो अब यहाँ से लेते हैं स्टोर से, तो फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं चलते हैं। तो बस पहले अपनी चीज़ें वगैरह यहाँ से मैं ले लूँ, तो देखते हैं क्या क्या यहाँ से अब लेना है। ये पर्दे वगैरह हैं, ये हैंगर जो जो घर में इस्तेमाल होते हैं, ये उसकी चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे। बस अब यहाँ से जो जो लिया है, तो ये देखें जो है ना, ये दूसरी साइड है इसकी स्टोर्स की, ये क्रॉकरी वगैरह का सेक्शन है,
यहाँ पे वो क्रॉकरी के आइटम पड़े होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, बिजली वगैरह की भी चीज़ें वहाँ पे पड़ी होती हैं वहाँ सामने। ये बस यहाँ से फिर अपनी यहाँ डिक्शनरी सेक्शन भी है। ये अब ये मैंने सामान वगैरह यहाँ पे ले लिया है, कुछ चीज़ बॉक्सों के अंदर है। ये मैंने ग्रॉसरी ट्रॉली भी ली है, ये भी न्यू ली है, इसके अंदर भी सामान है, ये ज़रूरत की चीज़ें थी। तो अब बस यहाँ से ऐसा ऐसा मैं जा रहा हूँ, तो अब मैं चलता हूँ। वो आपको जो नो फ्रील्स का कह रहा था वहाँ पे, वो मैंने घर की ग्रॉसरी वगैरह करनी है, तो अब वहाँ पे चलता हूँ। जो जो चीज़ें हैं सामान वगैरह वहाँ से मैं अपना ले लेता हूँ। तो ये आ गया हूँ मैं नो फ्रील्स। तो यहाँ पे तो बहुत रश लगा हुआ है, ये देखें आपको शायद लाइन नज़र आ रही हो, लोगों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। पहले तो कोई लाइन नहीं यहाँ पे नहीं लगी होती थी, अभी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखें आप मेरी बैक साइड पे बहुत लंबी लाइन है। तो अभी तो यहाँ पे अगर लाइन में मैं लगूँ तो काफ़ी टाइम मुझे लग जाए। तो अभी जो है ना, ये बस इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, घर चलते हैं। तो वहाँ पे जो है ना फिर जाएंगे बाद। तो ये घर के पास ही है स्टोर्स। तो अब कोरोना जो है, अब इसकी वजह से जो है ना लोग बेचारे लाइन में लगे हुए हैं। अब इसका ये मतलब क्या तो नहीं है कि हमने जो है ना अब कुछ खाना पीना नहीं है। तो बस जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो बंदा यहाँ से आके लेगा ना। तो बाकी यहाँ पे ये जो है ना स्टोर वगैरह है वो खुले हुए हैं, बाकी जो है ना वो मॉल्स वगैरह वो बंद हैं। तो ये फिर बाद में यहाँ पे आ जाऊँगा मैं और जो चीज़ होगी ले लूँगा। बाकी डिस्टेंट पे ही है ये, हमारे घर के पास ही है ये स्टोर्स। तो कोई नहीं, अभी ये जो सामान लिया हुआ है ये घर जा के छोड़ आता हूँ, फिर उसके बाद बंदा थोड़ा फ्रेश भी हो जाएगा, फिर आ जाऊँगा। तो बस अभी चलते हैं। कोरोना ने जो है ना बस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अल्लाह इससे बचाए सबको। बस अब बंदा क्या करे, तो लोगों ने भी चीज़ें लेनी होती हैं, सबने लेना होता है यहाँ से सब कुछ ही। बस अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से हर कोई लेता है स्टोर वगैरह से ही। बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं सब लोग। तो पहले तो कोई इस तरह की लाइनें नहीं थी, अभी लाइन ही लाइन है यहाँ पे स्टोरों पर भी। चले हम भी फिर आ जाएंगे, क्योंकि अभी लाइन इतना इंतज़ार नहीं हो रहा था लाइन में लगने का। आपने देखी भी थी काफ़ी लंबी लाइन थी, तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं रुका हूँ, बस घर की तरफ आ रहा हूँ। तो उसके बाद फिर बंदा आ जाएगा, कोई नहीं। तो और भी स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पे, और भी बंदा जाके सामान वगैरह जो है ना वो भी ले सकता है। तो कहीं कम लाइन कहीं ज़्यादा होती है। तो ये जो है ना ये फ्रेश वैली है, चाइनीज़ स्टोर है। यहाँ पे देखें लोगों की काफ़ी लंबी लाइन वगैरह लगी हुई है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये जो है ये सामने आप देख रहे हैं, पहले ये जो है ना जाली वाले ये, और ये पहले खुले होते थे, अब ये इन्होंने बंद किए हुए हैं इस कोरोना की वजह से ना, कि ताकि लोग वो जो है ना एक साइड से और एक साइड से जाएं। तो वो जो साइड है वो सिर्फ एक ओपन है, बाकी ये देखें ये दो तीन जो है ना ये बंद हुई पड़ी हैं। अगर ये खुली हो तो लोग यहीं से आएंगे और यहीं से चले जाएंगे, तो इसलिए वो एक साइड ओपन की। तो ये अभी मैं इंटर हो चुका हूँ यहाँ, काफ़ी देर बाद ही इंटर हुआ हूँ मैं यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखें, ये उनका सेक्शन है लगी हुई है, जो जो पाकिस्तान के आइटम्स वगैरह हैं, मिसाले हो गए और चीज़ें हो गई, ये आटा है, चीनी है, इस तरह की ये चीज़ें वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से अब मैं ग्रॉसरी वगैरह करता हूँ, जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत है तो वो अपनी यहाँ से ले चुका, सॉरी लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन में लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके मैं इंटर हुआ हूँ इस लाइन में। तो शुक्र है बस स्टोर में आ चुका हूँ, तो अब मैं अपनी सामान वगैरह जो है ना वो यहाँ से लेता हूँ। ओके, थैंक यू।